गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा टाक। आज की हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास में कौटिल्य पढ़ेंगे। कौटिल्य में मैंने आप लोगों को कौटिल्य के जो प्रमुख विचार हैं उन विचारों के बारे में लगभग समझा दिया है। आज हम कौटिल्य के समाज दर्शन और कौटिल्य की न्यायपालिका के विचारों के संदर्भ में बात करेंगे। हम लोग मनु पढ़ चुके हैं और मनु ने बहुत ही सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था की बात की है। कौटिल्य सामाजिक व्यवस्था के बारे में इतने विस्तार से चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताने का प्रयास किया है। और सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह में राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, राज्य को किस तरीके से सामाजिक संबंधों का निर्वाह करना चाहिए समाज में, ताकि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे, किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े ना हो। इसी क्रम में हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधारों की। कौटिल्य के अनुसार सामाजिक जीवन को धर्म पर आधारित होना चाहिए और कौटिल्य ने धर्म के कुछ शाश्वत लक्षणों के बारे में बताया है। और इन लक्षणों में वे कहते हैं कि सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, दान, अक्रोध आदि ऐसे लक्षण हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में होने चाहिए। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि राजा प्रजा के व्यवहार में इन नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करें और इस प्रकार धर्म का प्रवर्तन करें। इस प्रकार कौटिल्य अपने समाज दर्शन में सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधारों की बात करते हैं, साथ ही वर्ण व्यवस्था के बारे में वे बताते हैं। कौटिल्य ने मनु के समाज को चार वर्णों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ब्राह्मण के कर्तव्य में कौटिल्य कहते हैं कि ब्राह्मण का कर्तव्य है अध्ययन व अध्यापन करवाना, यज्ञ करना व यज्ञ कराना, दान देना तथा दान लेना तथा अपने आचरण से समाज के समक्ष धर्म का आदर्श प्रस्तुत करना, मतलब ब्राह्मण के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए। क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य है शास्त्र से जीविका प्राप्त करके प्रजा की रक्षा करना, मतलब क्षत्रियों का कार्य है कि वह अपने शस्त्रों से प्रजा की रक्षा करे, अपने राज्य की रक्षा करे, अपने राज्य को आगे की ओर बढ़ाए। और क्षत्रियों का भी यह कर्तव्य है कि वह अध्ययन करे, यज्ञ करवाए और दान भी दे। इसी प्रकार वैश्य के प्रमुख कर्तव्य में कौटिल्य कहते हैं कि वैश्यों का काम व्यापार करना है। वैश्यों का प्रमुख कर्तव्य कृषि, पशुपालन और वाणिज्य है। इसके अतिरिक्त अध्ययन, यज्ञ कराना और दान देना वैश्य के कर्तव्य माने गए हैं। कौटिल्य ने शूद्र के संदर्भ में कौटिल्य कहते हैं कि शूद्र को ब्राह्मणों, क्षत्रियों व वैश्यों की सेवा करने के लिए उत्तरदायी माना गया है। और ये भी कहा है कि शूद्र जो हैं वो कृषि कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं और शिल्प, मतलब हाथ से बना करके कुछ भी वस्तुएं वो बेच सकते हैं। इस वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के तक सीमित रखते हुए कौटिल्य कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। विभिन्न राजकीय, प्रशासनिक व सामाजिक गतिविधियों में कौटिल्य सामान्यतः चारों वर्णों के सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार समान अवसर प्रदान करने का समर्थन करते हैं। मनु शूद्रों के लिए अध्ययन को वर्जित मानते हैं, लेकिन कौटिल्य ये कहते हैं कि शूद्र अगर योग्य है तो वह मंत्री और न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब जिस तरह का रिजिड सा एक मतलब सामाजिक स्तर जो बताया था को मनु ने, उस तरह के सामाजिक स्तर की बात कौटिल्य नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। कौटिल्य की भांति ही मनु की भांति ही कौटिल्य भी एक व्यक्ति के जीवन को चार भागों में विभाजित करते हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। इसमें व्यक्ति के लिए स्वाध्याय, हवन, स्नान, भिक्षावृत्ति तथा गुरु के पास निवास करते हुए विद्या अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। गृहस्थ आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए कौटिल्य ने धर्म पूर्वक जीविका अपनाने, विवाह करने तथा वैवाहिक दायित्वों की पूर्ति करने, अतिथियों का सत्कार करने तथा मृतकों का पालन पोषण करने का आवश्यक उसका दायित्व माना जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति के लिए इंद्रिय संयम, भूमि पर शयन, सादा वस्त्रों को धारण करना, यज्ञ तथा पूजा पाठ में संलग्न रहना तथा सादा भोजन करना आवश्यक माना है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति के लिए कौटिल्य ने वासना से मुक्ति, संग्रह की वृत्ति का त्याग, स्त्री के संसर्ग का त्याग तथा शरीर और मन की सादगी को वे अत्यंत आवश्यक मानते हैं।
कौटिल्य कहते हैं कि सन्यासी के लिए नगरों में तथा किसी एक स्थान पर निवास करने का निषेध किया जाता है तथा उनके लिए वनों में विचरण करना आवश्यक है। सन्यासी के लिए कौटिल्य हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष आदि को स्थायी रूप से त्याग देने की बात करते हैं और सत्य, पवित्रता, क्षमा, त्याग आदि को स्थायी रूप से अपना लेने को उचित मानते हैं। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों की व्याख्या करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि मनु ने सामाजिक संबंधों में शूद्रों को अत्यंत हीन स्थिति प्रदान की है। कौटिल्य ने शूद्रों और स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा किए जाने का समर्थन किया है और मनु के विपरीत कौटिल्य स्त्रियों और शूद्रों के संपत्ति के अधिकार को उचित मानते हैं और उन्हें समाज का एक सामान्य सदस्य मानते हैं। न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में भी कौटिल्य ने स्त्रियों या शूद्रों के प्रति किसी भेदभाव का समर्थन नहीं किया है। जहाँ मनु वर्ण व्यवस्था को विभिन्न वर्णों के मध्य हीनता या श्रेष्ठता के आधार के रूप में परिवर्तित करते हैं, कौटिल्य वर्ण व्यवस्था को समाज में श्रम विभाजन के व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में मान्यता देते हैं और उनका कहना है कि समाज का ये जो विभाजन है, ये समाज का विभाजन ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के कार्यों का विभाजन है और कार्यों के आधार पर उन्हें विभाजित किया है। अब हम कौटिल्य के अनुसार न्याय, न्यायपालिका और दंड की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य में अगर न्यायपूर्ण शासन नहीं होगा तो कुशासन स्थापित हो जाएगा और एक राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए अपराधियों को दंडित करे और इस प्रकार के नियम कानून बनाए जिनके माध्यम से व्यक्ति अपराध करने से डरे। सबसे पहले कौटिल्य बात करते हैं शासक की न्यायिक शक्ति और उसकी मर्यादाओं की। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में राजा को सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के रूप में बताया है और उन्होंने कहा है कि राज्य ही न्याय का स्रोत होता है। कौटिल्य राजा को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी मानते हुए भी उसकी न्यायिक शक्ति को विधि के अधीन मानता है और वह राजा को परामर्श देता है कि वह न्यायिक शक्ति का कठोरतापूर्वक धर्म के अनुसार उपयोग करेगा और यदि राजा ऐसा करने में सक्षम नहीं है या राजा धर्मानुसार आचरण नहीं करता है, विधि का उल्लंघन करता है, तो ऐसी परिस्थिति में राजा स्वयं भी दंड का पात्र होगा। कौटिल्य ने न्यायिक निर्णय के चार संभावित आधारों धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजकीय विधि में से राजकीय विधि को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है और वे कहते हैं कि न्यायिक शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, न्यायिक शक्ति संस्थागत शक्ति है और राजा को इसका उपयोग संस्थागत रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि राजतंत्र है, राजतंत्र में समस्त शक्तियां राजा में निहित है, लेकिन फिर भी राजा को निरंकुश होने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसकी न्यायिक शक्ति पर भी बहुत सारे नियंत्रण लगे हुए हैं। कौटिल्य न्यायालय के संगठन के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि न्यायालय संगठित और व्यवस्थित होने चाहिए। न्यायालयों का प्रमुख दायित्व है जनता और उसके अधिकारों की सुरक्षा करना, श्रेष्ठ शासन के लाभों को सुनिश्चित करना, व्यक्तियों द्वारा उनकी व्यक्तिगत, आधिकारिक अथवा व्यावसायिक स्थिति में किए गए अपराधों के लिए समुचित दंड की व्यवस्था करना। अब कौटिल्य न्यायालयों के प्रकार बताते हुए कहते हैं कि दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक है धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधक न्यायालय। तो धर्मस्थीय न्यायालय जो है, उस धर्मस्थीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सारे दीवानी मामले तथा ऐसे छोटे फौजदारी मामले सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें व्यक्ति का अपराध व्यक्ति की निजी स्थिति में अथवा किसी संविदा की अवहेलना के कारण उत्पन्न हुआ हो। और कौटिल्य कहते हैं कि धर्मस्थीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित जो विषय हैं उनको हम निम्न प्रकार से बता सकते हैं, जैसे संविदाएं, चोरी, विवाह और उससे संबंधित दायित्व और कर्तव्य, आश्रमवासी वानप्रस्थियों के वेश में जासूसी कर रहे व्यक्तियों से संबंधित विषय, जारकर्म, संपत्ति और उत्तराधिकार, समान और संपत्ति का क्रय विक्रय, कृषि भूमि से संबंधित विवाद, ऋण, व्यावसायिक मामले, श्रमिकों का वेतन, डकैती, धोखाधड़ी, अवैध निरोध, अपकीर्ति, प्रहार इत्यादि, और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, जुआ तथा इससे संबंधित अपराध। मतलब आज के ज़माने में, वर्तमान समय में जो हम दीवानी न्यायालयों की बात करते हैं, उसी प्रकार से कौटिल्य दीवानी न्यायालयों की श्रेणी में
धर्मस्थीय न्यायालयों को रखते हैं और इसी प्रकार के विषय उसमें सम्मिलित किए गए हैं। कंटक चोदक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में समस्त फौजदारी मामले आते हैं और उन अपराधों के विषय में ये कंटक चोदक न्यायालय कार्य करते हैं जो राज्य के अधिकारियों अथवा किसी व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। और ये अपराध किस प्रकार के होते हैं? किसी विशिष्ट व्यवसाय से संलग्न व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध, व्यापारियों द्वारा किए गए अपराध, राजकीय दायित्वों की अवहेलना करने के द्वारा किए गए अपराध, हत्या, राजकीय अधिकारियों द्वारा शासन के प्रति या राजा के प्रति किए गए अपराध फौजदारी या कंटक शोधीय न्यायालयों की श्रेणी में रखे जाते हैं या ये उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो इस प्रकार कौटिल्य न्यायालय के दो प्रकारों का वर्णन करते हैं और न्यायालय के दो प्रकारों का वर्णन करके अलग अलग मतलब जो व्यक्ति हैं अपराध करते हैं उन अपराधों को दो श्रेणियों में उन्होंने बांटा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी योग्यताओं के संदर्भ में कौटिल्य कहते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर संगठित व्यवस्थित न्यायिक प्रणाली होनी चाहिए और न्यायाधीश विशिष्ट योग्यता प्राप्त होनी चाहिए, उनकी नियुक्ति की सुनिश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए। अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कहते हैं कि अमात्य स्तर के तीन तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा के द्वारा ही की जानी चाहिए। राजा के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है उसमें जनपद संधि संग्रहण अर्थात 800 ग्रामों के मुख्यालय पे न्यायाधीश, द्रोणमुख अर्थात 400 ग्रामों के मुख्यालय पे न्यायाधीश, स्थानीय अर्थात 100 ग्रामों के मुख्यालय पे न्यायाधीश। और कौटिल्य कहते हैं कि धर्मस्थीय न्यायाधीशों में धर्म के मर्म को पूरी तरह समझने की क्षमता होनी चाहिए। कंटक शोधक न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों पर राज्य के उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति तभी की जा सकती है जबकि वे धर्म, विधि और न्याय में पारंगत हों। कहने का तात्पर्य ये है कि कौटिल्य जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं उस न्यायाधीशों की नियुक्ति में वो ये कहते हैं कि राजा के द्वारा पूरी तरह से सोच समझकर अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने मंत्रीगणों के साथ में मिलकर ऐसे योग्य व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त करना चाहिए जो मतलब उसके साथ में मिलकर के एक बेहतर न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करें। कौटिल्य कहते हैं कि न्यायिक कार्यों को किसी एक न्यायाधीश के द्वारा संपन्न नहीं किया जाना चाहिए, एक से अधिक न्यायाधीशों के द्वारा गठित होने वाली न्यायपीठ द्वारा ही न्याय कार्य को संपन्न किया जाना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि किसी भी न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय की अपील राजा को ही की जा सकती है जिसका आदेश अंतिम होगा, लेकिन राजा द्वारा न्यायिक कार्य संपन्न किए जाने की स्थिति में न्याय कार्य में पारंगत व धर्म के मर्मज्ञ व्यक्तियों से राजा को अवश्य परामर्श लेना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ये कहते हैं कि राजा के द्वारा जो अपना न्याय संबंधी कार्य किया जाना है उसमें अपने न्यायिक अधिकारियों से, अपने न्यायाधीशों से परामर्श लिया जाना अति आवश्यक होता है। अब कौटिल्य स्थानीय और क्षेत्रीय न्यायालयों के बारे में बात करते हैं। अर्थशास्त्र में उन्होंने कंटक शोधक और धर्मस्थीय न्यायालयों के अतिरिक्त क्षेत्रीय और स्थानीय न्यायालयों का भी बात की है। वे कहते हैं कि स्थानीय वादों के निपटारे के लिए अनौपचारिक न्यायालय बनाए जाने चाहिए और अनौपचारिक न्यायालय मतलब ये एक ऐसी स्थायी स्तर पे एक गांव के जो वयोवृद्ध लोग हैं उनके द्वारा एक न्यायिक सभा का निर्माण किया जाना चाहिए और ये जो न्यायिक सभा है ये छोटे मोटे या वहाँ स्थानीय स्तर पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए गठित की जानी चाहिए। ये न्यायिक सभा स्थायी प्रकृति की नहीं होती और इसे राज्य की विधि या आदेश द्वारा स्थापित नहीं किया जाता। कौटिल्य ने जाति और धर्म से संबंधित वादों का निपटारा भी इसी तरह के न्यायालयों के द्वारा किया जाना उचित माना है। कौटिल्य राज्य के विभिन्न हिस्सों को भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर खंडों, उपखंडों के रूप में विभक्त करने पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि संभागीय स्तर पर आयुक्त, गोप और स्थानिक नामधारी पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जो कि बाहरी चोरों और दस्युओं को खोज निकालने का कार्य करें। इसी प्रकार नगर के प्रभारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नगर के आंतरिक हिस्सों में आंतरिक चोरों का
पता लगाए। इस प्रकार कौटिल्य ने गांवों तथा राजमार्गों पर होने वाली चोरियों के विषय में विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की है। स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती है उनको स्थानीय न्यायालयों द्वारा सॉल्व किए जाने, मतलब स्थानीय अधिकारियों के द्वारा, स्थानीय न्यायालयों के द्वारा उन समस्याओं का समाधान किया जाना उचित होता है, क्योंकि राजा जो है या राजा के पास वही मुकदमे आने चाहिए, वही समस्याएं आनी चाहिए जो अति गंभीर प्रकृति की हों। स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं वो स्थानीय लोगों के द्वारा ही निपटा दी जानी चाहिए। अब कौटिल्य न्यायाधीशों पर नियंत्रण की बात करते हैं। कौटिल्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक शक्ति के समुचित प्रयोग तथा निष्पक्ष आचरण को सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं कि न्यायाधीशों को व्यापक शक्ति प्रदान की जाती है, लेकिन न्यायाधीशों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे अपनी इन शक्तियों का प्रयोग विधि के अनुसार ही करें। वे न्यायिक अधिकारियों पर अनेक प्रकार के नियंत्रणों की व्यवस्था करते हैं। न्यायाधीशों द्वारा निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए कौटिल्य ने न्यायाधीशों को भी पक्षपात आदि का दोषी पाए जाने पर, अपने दायित्वों के प्रति उदासीन या शिथिल होने पर दंड की उचित मानते हैं। कौटिल्य स्वीकार करते हैं कि न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के दौरान न्यायाधीश अनेक प्रकार की त्रुटियां कर सकते हैं, जैसे जिन साक्षियों से प्रश्न पूछा जाना हो उनसे ना पूछकर किसी अन्य से प्रश्न पूछना, किसी साक्षी द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर में कही जा रही बात को ध्यानपूर्वक ना सुनना। तो ऐसे अपराधों के लिए कौटिल्य ने न्यायाधीशों के विरुद्ध मध्यम साहस दंड की व्यवस्था की है। मतलब इस तरह के दंड की व्यवस्था करके कौटिल्य ने न्यायाधीशों को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। कौटिल्य के अनुसार यदि कोई न्यायालय किसी वाद के पक्षकारों में से किसी को भी धमकी दे या प्रताड़ित करे, न्यायालय से निकाले, अथवा किसी एक पक्षकार को अनुचित रीति से परेशान करे या पक्षपात करे किसी भी तरह का, तो उस पर सर्वप्रथम प्रथम साहस दंड पारित किया जाना चाहिए। यदि वह किसी को अपशब्द दे, गाली दे, तो दंड को दुगना कर दिया जाना चाहिए। और यदि कोई न्यायाधीश मुकदमे को आवश्यक परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की जांच नहीं करे, अपने कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करे, विलंब करे, साक्षियों के बयानों की उपेक्षा करे, तो ऐसी परिस्थिति में उसे उत्तम साहस दंड दिया जाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार यदि न्यायाधीश इन दोषों को दोहराए तो उसे दंडित करने के साथ साथ पद से भी हटा दिया जाना चाहिए। यदि कोई न्यायाधीश किसी पर अनुचित अर्थदंड आरोपित करे तो उस पर दुगुना अर्थदंड लगाया जाना चाहिए। मतलब कौटिल्य कहते हैं कि न्यायाधीशों को अनुशासनहीन होकर काम करने का अधिकार नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाना चाहिए। जहाँ न्यायाधीशों से उम्मीद की जाती है कि वे पक्षपात मुक्त रहें, वही शासक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक कार्यों के लिए ऐसे सुयोग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करे जिनकी न्याय में निष्ठा असंदिग्ध हो और वह किसी भी प्रकार के भय व प्रलोभन से मुक्त होकर न्यायिक कर्तव्य का पालन कर सके। कौटिल्य ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण को बहुत उचित माना है और वे ये कहते हैं कि न्यायपालिका को शासन के अन्य अंगों से स्वतंत्र रहकर के कार्य करना चाहिए। अपराधों के वर्गीकरण और दंड के सिद्धांत के बारे में बात करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि अपराध अत्यधिक तीक्ष्ण या अत्यधिक मृदु नहीं होना चाहिए। दंड की मात्रा और प्रकृति अपराधों की गंभीरता और परिस्थिति के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। केवल अपराधी को ही दंडित किया जाना चाहिए और वो भी तब दंडित किया जाना चाहिए जब पूरी तरह से उसके प्रति अपराध साबित हो जाए। दंड के विषय में समानता का दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दंड देने के विषय में मित्र या शत्रु का, प्रिय या अप्रिय का भेद नहीं किया जाना चाहिए। अपराध का निश्चय और दंड का निर्धारण एक निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया में संबंधित सभी पक्षों, वादी, प्रतिवादी, अभियुक्ता, अभियुक्त और न्यायिक अधिकारी आदि के अधिकारों और मर्यादाओं की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए। कौटिल्य ने दंड के प्रतिकारात्मक और निवारक तथा सुधारक तीन प्रकार के दंड की बात करते हैं। प्रतिकारात्मक दंड ऐसा जिसमें दंड के द्वारा अपराधी द्वारा किए गए कृत्य का प्रतिशोध लिया जाता है। निवारक दंड के माध्यम से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है कि लोग अपराध में लिप्त होने का
साहस ही ना करे और सुधारक दंड के माध्यम से अपराधी को उसके आचरण में सुधार का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वह दोबारा इस प्रकार का अपराध ही ना करे। कौटिल्य का यह भी कहना है कि अपराध व्यक्ति के द्वारा मुख्यतः 5 प्रकार के अपराध किए जाते हैं। व्यक्तियों के शरीर अथवा संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सामाजिक अपराध, आर्थिक अपराध, राज्य कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराध और राज्यद्रोह। कौटिल्य इन 5 प्रकारों में से प्रथम 4 प्रकार के अपराधों के लिए मुकदमे की कार्यवाही के द्वारा ही अपराध व दंड का निर्धारण किए जाने पर बल देते हैं, लेकिन 5वीं श्रेणी के अपराध या राज्यद्रोह के लिए कौटिल्य किसी तरह के औपचारिक मुकदमे की बात नहीं करते हैं और वे कहते हैं कि चूंकि इस तरह के अपराधों में राज्य की सुरक्षा का प्रश्न होता है, अतः अपराधी को दंडित करने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए और उसे तुरंत कड़े से उसकी जांच की जानी चाहिए और तुरंत कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। न्यायिक वादों की प्रक्रिया के संदर्भ में बात करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के वादों की एक निश्चित प्रक्रिया होती है और कौटिल्य के अनुसार मुकदमा दायर करते समय वादी की प्रार्थना में वर्ष, माह, पखवाड़े और तिथि का उल्लेख होना चाहिए, साथ ही उसमें विवाद की प्रकृति और विवाद घटित होने के स्थान का भी उल्लेख होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार वाद पत्र में वादी और प्रतिवादी के कुल, गोत्र, निवास, व्यवसाय इत्यादि के संबंध में पूरी सूचनाएं अंकित होनी चाहिए। वे मानते हैं कि वाद के दायर कर दिए जाने के पश्चात एक व्यावहारिक क्रम में वादी और प्रतिवादी दोनों दोनों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अंकित कर लिया जाना चाहिए। कौटिल्य का मत है कि साक्ष्य के दौरान दोनों पक्षों को एक दूसरे के से जिरह करने का अधिकार होना चाहिए। कुल मिलाकर के कौटिल्य परामर्श देते हैं कि जो न्यायाधीश हैं वो पूरे मुकदमे को सुने और पूरे मुकदमे को सुन करके वादी और प्रतिवादी के पक्ष को सुने, उसके पश्चात ही अपना निर्णय दें। मुकदमे के पक्षकारों, अभियुक्तों व साक्षियों के अधिकारों की बात करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि न्यायाधीशों और न्यायालय के कर्मचारियों पर पर्याप्त नियंत्रण होता है और उनका यह कर्तव्य है कि वह एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य करें। अभियुक्त के अधिकारों को मान्यता देते हुए कौटिल्य कहते हैं कि यदि किसी अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कहे गए कथन की पुष्टि अन्य साक्षियों के बयान से होती है तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ये भी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर दंडित नहीं करना जाना चाहिए और उसकी पूरी साक्षियों को देखना चाहिए। उसके अगर उसे किसी झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है तो उसकी पूरी तरीके से जांच की जानी चाहिए और जांच करने के उपरांत सारे पक्षों को सुनने के बाद ही न्यायाधीशों को अपना निर्णय सुनाया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि कौटिल्य ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, बहुत ठीक प्रकार से या न्याय जो निश्चित विधि की प्रक्रिया है उस निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जो न्यायाधीश हैं और राजा हैं उनके द्वारा कार्य किया जाना चाहिए और उनके द्वारा कार्य करके और मतलब एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं कौटिल्य, जिसमें कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट ना हो, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो बचाव पक्ष का हो, दोनों को अपनी अपनी बात को कहने, सुनने, समझने का अवसर मिलना चाहिए और उसी के माध्यम से न्यायाधीश को न्याय करना चाहिए और न्यायाधीश को पूरे मुकदमे को सुनने के पश्चात न्याय करते समय, अपना निर्णय सुनाते समय सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सभी चीज़ों का ध्यान रखकर एक मतलब एक बेहतर न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए ताकि राज्य उन्नति की ओर, विकास की ओर अग्रसर हो सके। कर व्यवस्था के बारे में बात करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि राज्य के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है, उन योजनाओं के संचालन के लिए एक सुनिश्चित कर प्रणाली होनी चाहिए और व्यक्तियों के द्वारा जितना वो दे सकते हैं, जितना उनकी आय है, उनकी आय के अनुपात में निश्चित एक कर लगाने के प्रावधान के बारे में बात करते हैं कौटिल्य। धन्यवाद।